हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली और बताए फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है मैं नहा धो के अपने घर का सारा काम वगैरह करके मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ आप देख सकते हैं तो मैं तैयार हो गई हूँ और जो है मेरी पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है मैं उठी हूँ फ्रेंड छः बजे उठी हूँ तो घर के सारे काम जो हो गए हैं बाकी है तो उससे भी ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करनी है तो चलिए उसके लिए मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आइए जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेथी है और फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ तो मैं बनाऊँगी इसका मेथी का पराठा जी हाँ मेथी का पराठा बनाऊँगी और साथ में थोड़ी सी रायता बनाऊँगी और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेथी जो है साफ़ दिख रही है तो क्या है मैं रात में इसको साफ़ करके दो चार पानी में धुल के रख दी थी और फ्रेंड्स मैं बिना कट किए ही धुलती हूँ क्या है कि अगर मैं कट करके धुलूँ तो फिर पानी में जो है ये बह जाते हैं ऐसे धुल आते नहीं हैं तो इसीलिए मैं बिना कट किए पहले धुल लेती हूँ बाद में कट करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मेथी को कट कर रही हूँ और इसी का जो है फ्रेंड्स मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाऊंगी क्योंकि फ्रेंड्स इसमें विंटर चल रहे हैं सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और पराठे वगैरह जो है लंच में भी हम खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं मेथी को कट कर ली हूँ और अब जो मैं कट करने जा रही हूँ तो दो प्याज़ कट कर रही हूँ थोड़े से अदरक थोड़ी सी मिर्च है और थोड़ा सा जो है लहसुन में ली हूँ और इन सब को जो मैं है मैं चॉपर की हेल्प से चॉप कर लूँगी और इसके बाद जो है फ्रेंड मैं देखिए गैस पे कढ़ाई रखी उसमें तेल डाली हूँ और जब तेल गर्म हो गया तो इसमें जीरा डाली जीरा चटकने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा हींग डाली हूँ और जब भी थोड़ा सा फ्राई हो गया तो मैं इसमें चॉपर की हेल्प से जो चॉप की हूँ प्याज लहसुन अदरक मिर्च इन सबको मैं डाल के फ्राई कर रही हूँ जब ये फ्राई हो गया तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ और फिर थोड़ी सी मसाला डाल दी इन सबको मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी और फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स इसमें मैं मेथी डाल के चला लूँगी और फिर थोड़ा सा ढक के इनको गला लूँगी मेथी को और फ्रेंड जो मेरे हस्बैंड है ना तो उनको मेथी का शाग और जो इसका पराठा बनता है तो उनको थोड़ा सा कम पसंद है खाते नहीं है खाते इसलिए नहीं है क्योंकि उनको जो मेथी है शाग हुआ या फिर पराठा हुआ तो उनको थोड़ी कड़वी लगती है तो बस मैं इनकी कड़वाहट को दूर करने के लिए कुछ ट्रिक अप्लाई करती हूँ और ये ट्रिक यही था फ्रेंड जो मैं इसमें प्याज लहसुन अदरक और मिर्च चॉप करके डाली हूँ और डाल के जो फ्राई की हूँ उसके बाद जो मेथी डाली हूँ आप देख सकते हैं तो तरीके से मेथी का पराठा बनाने पे बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं लगती है और मेथी में कोई भी कड़वापन नहीं आता है और फ्रेंड्स इसीलिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ और फिर हस्बैंड भी मतलब खाने में आ, मना नहीं करते हैं वो भी खा लेते हैं दो तो के जगह पर चार रोटी खाते हैं और आपके घर में अगर किसी को मेथी का पराठा जो है कड़वी लगती हो या उसका साग कड़वा लगता हो तो आप इसी तरीके से बना कर देखिए बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी और फ्रेंड मैं मेथी को रोती हूँ गलने के लिए और जब तक मेथी गलेगा तब तक देखिए मैं यहाँ पर रायता बना ले रही हूँ तो रायता बनाने के लिए देखिए मैं घर पे ही जमाया हुआ दही ली हूँ और उसको अच्छे से फेंट ली हूँ और फिर इसमें जो है मैं डाल रही हूँ बूंदी डाल ली हूँ और थोड़ा सा ऊपर से डाल ली हूँ जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ तो यहाँ पर हमारा रायता बन गया तो चलिए अब मैं आटा लगा लेती हूँ और यहाँ पर देखिए जो मैं मेथी गला रही थी ठंडा हो गया तो अब मैं आटे में मिला के इनका एक अच्छा सा डोर तैयार कर ले रही हूँ गूंथ ले रही हूँ आटा तो यहाँ पर मैं आटा गूंथ रही हूँ फ्रेंड्स और इसमें बाकी कोई भी चीज़ नहीं मिलाऊंगी अगर लगेगा जरूरत के हिसाब से तो फिर मैं इसमें पानी डालूंगी देखिए मैं मुझे लग रहा है थोड़ा सा पानी चाहिए तो मैं थोड़ा सा पानी मिला तो रही फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसका आटा गूंथ रही हूँ आप देख सकते हैं और हाँ फ्रेंड मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई सब्ज़ी का जो है मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ और uh, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हस्बैंड जो है ऑफ़िस जाते हैं उनको टिफिन भी लेके जाना है तो इस वजह से मैं थोड़ी सी सब्ज़ी बना दी हूँ सिर्फ टिफिन में जो है पराठा तो रख नहीं सकते हैं ना पराठा और हाथ नहीं रख सकते हैं थोड़ी सी मैं सब्ज़ी बना दी हूँ अभी आपको दिखा और फ्रेंड्स आटा गूंटने के बाद मैं चली गई हूँ अभियान के पास तो दूध लेके गई हूँ और उठ गया तो मैं उसको दूध वगैरह भी ला के आ गई हूँ और फिर देखिए मैं यहाँ पे जो आटा गूंट हूँ उसका जो है मैं पराठा बेल ले रही हूँ और यहाँ पे मैं गोल और चौकोन शेप में दोनों तरह का पराठा बनाऊंगी और फ्रेंड्स हस्बैंड भी उठ गए हैं तो वो अपना तैयार हो रहे हैं और टाइम भी जो हो रहा है फ्रेंड्स आठ बज रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं पराठा बेल ले रही हूँ और घी लगा के बेल ले रही हूँ और सबसे पहले मैं पराठा को बेल के रख लेती हूँ उसके बाद जो है मैं तवे पर रख के सेकती हूँ तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ पराठे बेल के रख ली हूँ और अभी जो पराठे बनाऊँगी फ्रेंड्स तो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी नाश्ता और लंच के लिए और बाकी का जो है मैं अपना बाद में बना लूँगी और यहाँ पे देखिए मैं जो सब्ज़ी बनाई आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी बनाई हूँ थोड़ी से मसाला तो यहाँ के? पे सब्ज़ी भी बन गया है रात में पहले से बना के रख ली हूँ और पराठे जो मैं बेल के रखी हूँ तो चलिए अब मैं उनको सेक लेती हूँ तवे पर रख के और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं पराठा जो है सेक रही हूँ और पहले गोल वाला सेक रही हूँ बाद में जो चौकून वाला बेल के रखी उसको बाद में सेक और इसके ऊपर घी लगा रही हूँ घी लगाने के बाद पराठा को अलग पलट के सेक लूँगी आप देख सकते हैं मैं कैसे सेक रही हूँ तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है बन के तैयार हो गया है और इसी तरह से मैं सारे पराठे जो है मैं सेक ले रही हूँ और फिर जो है हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता करने के लिए से मेरा मॉर्निंग का एक छोटा सा प्यारा सा रूटीन है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरे ब्लॉग देख रहे हैं मेरे ब्लॉग या वीडियो जो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा फैमिली और फ्रेंड्स में और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग जो है आप लोग को कैसे लग रहे हैं और यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैं पराठा सीख ली हूँ और हस्बैंड भी तैयार हो गए ऑफिस जाने के लिए तो चलिए मैं उनका नाश्ता जो है सर्व कर देती तो हूँ देखिए यहाँ पे मैं सब्ज़ी रखी हूँ रायता रखी हूँ और दो जो है गर्मा गर्म मेथी का पराठा रखी हूँ ऊपर से थोड़ा सा बटर रख रखती हूँ बटर के साथ जो पराठा थोड़ा सा अच्छे लगते हैं और यहाँ पे मैं हस्बैंड को नाश्ता दे के गई हूँ वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और अब वन भी उन्हीं के साथ है रहे तो दोनों लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद जो बाकी का पराठा है जो मैं बेल के रखी हूँ उसको सेक लेती हूँ और ये पराठा जो है हस्बैंड को टिफिन में रख दूँगी उनके डब्बा पैक कर दूंगी ले फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं पराठे सेक रही हूँ देखिए सारे के सारे पराठे जो हैं फूल रहे हैं और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ पता नहीं क्यों जब भी मैं पराठा बनाती हूँ तो फूल जाते हैं गोल वाला तो उतना अच्छे से नहीं फूला है लेकिन हाई चौकून वाला एकदम अच्छे से फूल आप देख सकते हैं आलू का हो या कोई भी पराठा हो तो फूल जाते हैं पता नहीं कैसे फूल जाते हैं लेकिन फूल जाते हैं और मुझे जब पराठे फूलते हैं तभी मुझे बनाने में भी अच्छा लगता है नहीं फूलते हैं रोटी हो या पराठा हो नहीं फूलते तो फिर उतना मन नहीं लगता बनाने में और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पराठे जो हैं फुल हैं एक के बाद फ्रेंड्स इस तरीके से बनाएंगे ना तो सारे मेथी के पराठे जो है फूले फूले बनेंगे और मेथी का पराठा जो है बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा घर में अगर कोई मेथी का पराठा नहीं खाता है तो वहाँ मांग मांग के खाएगा और के जगह पर चार रोटी चट कर जाएगा तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं पराठा सेक ली हूँ और अब जो है मैं हस्बैंड को टिफिन में पैक कर रही हूँ और हाँ फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड को जो नहीं पसंद है लेकिन हाँ मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो पक्का दो दो की जगह पे चार रोटी खा जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उनके लंच में भी पराठा ही रखी हूँ और यहाँ पर कुछ रख दी हूँ और जो रायता और सब्जी था यह सब कुछ रख के उनका डब्बा जो पैक कर दे रही हूँ फ्रेंड्स विंटर या फिर सर्दी के मौसम में इस तरह से ब्रेकफास्ट और लंच मिल जाए तो फिर बिना भूख के भी लोग जो है घर में दो के जगह चार रोटी खा लेंगे आराम से और मेरे यहाँ तो वैसे ही होता है मैं बनाती हूँ तो फिर हस्बैंड जो है चट कर जाते हैं धीरे धीरे <laughs> तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं और मैं उनका जो है लंच भी पैक कर दी हूँ और अब जो है थोड़ा सा टाइम है तो फिर मैं अपने लिए भी सेक लेती हूँ पराठा उसके बाद जो है मैं भी नाश्ता कर लूँ कर लूँगी और फ्रेंड्स आप सब भी आइए नाश्ता कर लीजिए तो यहाँ पे मेरा भी नाश्ता हो है, हाँ गया है हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए हैं और अब जो है मैं अभियान को लेके जा रही हूँ नीचे दूध लाने और इसी के साथ जो है मैं अपने को कोइन करती हूँ मिलती हूँ आपसे अगले तक तो के लिए टेक केयर फ्रेंड्स और हाँ अपना ख्याल रखिएगा